नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई हैं। अलकनंदा नदी 626 मीटर पर बह रही है, इसका खतरे का निशान 627 मीटर, और मंदाकिनी नदी 625 मीटर पर बह रही है, इसका खतरे का निशान 626 मीटर है। गोवा में G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने इस साल 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का रोल आउट शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में वांगटू के पास भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जनपद चमोली में कई स्थानों में अवरुद्ध हो गया, जिस कारण से श्री बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी जिले में देर रात से शुरू भारी बारिश के चलते बड़कोट के गंगनानी में गटरों का जलस्तर बढ़ने से सड़क, दुकानों, हॉटल और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पानी घुस गया। रोजगार मेले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, देश की युवा प्रतिभाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव हो गया है और कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। महाराष्ट्र की मायानगरी में जमकर बारिश हो रही है, निचले इलाकों में पानी भर गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक थम गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मणिपुर की घटना को लेकर पुलिस एक्शन में है, इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है। ये थे आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर।